assalamu alaikum uh, today we are going to discuss the cleavage so first of all we will see the brief introduction of the cleavage so this cleavage it is actually the repeated mitotic divisions repeated mitotic divisions it will occur after the fertilization तो इसको जो क्लेवि को डिस्कस करने से पहले जो है हम यहाँ पे ओवरी और फेलोपियन ट्यूब्स ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि ड्यूरिंग द क्लेविज जो जाइगोर बना है वही ट्यूब ट्यूब्स होता है वो ओवरी में आएगा तो हम उसके रिलेशनशिप इसको डिस्कस कर लेंगे तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी विल ड्रॉ देम हेयर दिस इज द फेलोपियन ट्यूब एंड दिस इज दूट्राइन बॉडी एंड दिस स्पॉट एट अजाइना ओके सो अब हमने देखा था कि यहाँ पे जब वो आ, आ चुका था और उसका क्या बन चुका यहाँ पे जायकॉट बन गया था ठीक है ना लेट सपोज कि ये इसका जायकोट बन गया दिस इज वाट जाएगा तो जैसे ही इसका यहाँ पे साहेबोड बनेगा अब यहाँ पे जो है इसकी डिवीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाएगी ये इसका जोनल पैलेसडा है अब यहाँ पे जो है ना इसकी डिवीज़न स्टार्ट होगी अब उस डिवीजन को हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे और फिर मैन पे आपको इसके रिलेशन समझा सुन, दूंगा ठीक है ना तो सबसे पहले इसकी जो आएगी स्टेज ये क्या है जी जोना पैलेसिड ये ब्लैक में सबसे पहले इसकी आती है जी टू सेल स्टेज अब ये देखिए ये एक था ना अभी दो में डिवाइड हो जाएगा सिंपल इट इज द टू सेल स्टेज लाइक दिस ये दो सेल्स हो जाएंगे एंड दिस टू सेल स्टेज इट विल अप्रॉक्सीमेटली बिगेन आफ्टर थर्टी आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब के फर्टिलाइजेशन के तीस घंटों के बाद जो है ना ये जो क्लेविज है ये स्टार्ट हो जाता है तो सबसे पहले स्टेज है टू सेल स्टेज फिर टू सेल स्टेज से जो है ये चेंज हो जाएगा जी फोर सेल स्टेज के अंदर फोर सेल स्टेज से फिर आगे आ जाएगी जी एट सेल स्टेज ठीक है फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमें पहले ड्रा कर लेते हैं फिर ईजी रहेगा जल्दी जल्दी हो जाएगा इसके बाद आएगी जी फोर सेल स्टेज इसमें क्या देंगे जी चार सेल तो जाएंगे फिर चार से क्या आ जाएगी नेक्स्ट एट सेल स्टेज इसमें क्या देंगे आठ हो जाएंगे ठीक है ना अब एट सेल स्टेज से जो है फिर ये तरह ये फर्द डिवीजन होती जाएगी होती जाएगी और जब आएंगे ना अप्रॉक्सीमेटली ट्वेल्व टू थर्टी टू सेल स्टेज मतलब जब वे इसमें बारह से बत्तीस सेल्स हो जाएंगे उसको हम कहेंगे जी ये, ये क्या है जी ये मोमोरो है मतलब कि ट्वेल्व टू थर्टी टू ब्लास्टो मेयर्स अभी इस में इसको हम कहेंगे ब्लास्टूला और इसके इसके अंदर क्या है ये ये मेयर्स हैं तो जब ये आएंगे तो इसको हम कहेंगे इट इज मोरूला मोरूला एंड दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली थर्ड डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओके okay. और जब ये इस मरूला फॉर्म में होगा मतलब थर्ड डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है ना इट विल एंटर्स हेयर इन टू द यूट्राइन अभी ये जो है ये यहाँ पर इस तरह मूव करता रहेगा टू सेल्स फोर सेल्स एट सेल्स उसके बाद जो है ये थर्ड डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पर ये मरूला की फॉर्म में जो है ये यूट्राइन बॉडी में एंटर कर जाएगा मतलब थर्ड डे पर ये फेलोपियन ट्यूब से यूट्राइन बॉडी में आ गया अब इसके बाद क्या होगी इसकी कंपैक्शन कंपैक्शन मतलब तो आप समझिए उसकी एक टाइप की इंप्रूवमेंट को हम कह सकते हैं कंपैक्शन को कि उसकी जो है वो इम्प्रूवमेंट हो रही है और जहाँ पे कंपैक्शन होती किस वजह से है ये होता है जी ई कैडरिन कैडरिन कॉम्प्लेक्स ई कैडरिन कैटरिन कॉम्प्लेक्स की वजह से हो रही होती है Uh, और ये जो है कॉम्प्लेक्स इट इज एक्चुअली द सेल सरफेस एड ही प्रोटीन ठीक है ना इसकी वजह से होती है कम्पैक्शन मतलब उसकी कंडीशनिंग समझ जाएगी उसकी इम्प्रूवमेंट उसमें क्या होगा जो कुछ सेल जो, जो, जो सेंटर पर ना ये जो कॉम्पैक्ट सेंटर पर जो, जो कुछ जो है वो साइड से मूव मूव कर जाएगी ठीक है ना लाइक दस वो जो है सब बड़े कॉम्पैक्ट होकर सब सेंटर पर आ जाएंगे और कुछ सेल जो है वो उस तरह से साइड पर चले जाएंगे ठीक है ना अब यहाँ पे हम जो ये जो सेल्स से है जो सेंटर पे आ गए इसको हम कहेंगे जी दिस इज इनर सेल मैस और ये जो से इसको हम कहेंगे सिंपली आउटर सेल मैस तो अब इस जो है वो कंपैक्शन तो इसकी नेक्स्ट स्टेज देख, देख लेते हैं यहां पे जो ये जो सेंटर पे इसमें जो है फ्लूड जो है ना वो यूट्राइन कैविटी से वो फ्लूड जो है वो इसके अंदर मूव करेगा और यहाँ पे एक फ्लूड स्पेस मूव बन जाएगी इस कुछ सेल इधर जो आउटर सेल मैथ है इधर साइड्स पर रहेगा एक जो इनर सेल मैथ वो इस से सेंटर पर आ जाएगा और फ्लूड विल मूव इन साइड ठीक है ना यूट्राइन कैटी से तो इसको हम कहेंगे अब ये ये था क्या था मैंने आपको बताया था ये ये ब्लास्ट वोला है अंदर ब्लास्ट मिला था तो इसको हम कहेंगे जी blasto cystic cavity इस cavity को क्या कहेंगे blasto cystic cystic cavity and now uh, this blastocystic cavity it will appear approximately fourth day after fertilization this will be now now fourth day after fertilization ठीक है third day पे वो enter हो जाएगा तो अब ये जी fourth day के ऊपर उसमें क्या है जी blastocystic cavity appear हो चुकी होगी ठीक है और अब जो है हम इस पर नेक्स्ट देख लेंट नेक्स इसमें क्या हो रहा है ये हम सोना पहले पलिस फिर से ड्रा करे थे इसकी नेक्स्ट स्टेज जो ने हम देख रहे हैं न था इसका जी आउटर सेल मैस ठीक है और ये इसका यहाँ पे आ जाएगा जी इसका इनर सेल मैथ ये जो अब ये जो आउटर सेल मैस है इसको हम ले आउटर सेल मैस इट विल फॉर्म ट्रोफोब्लास्ट एंड दिस इनयर सेल मैथ इट विल फॉर्म द एम्ब्रियो ब्लास्ट मतलब ये अब ये दो बन गई ले so, ट्रोफा ब्लास्ट ना ये इन फ्यूचर जो है वो अल्टीमेटली बनाएगी प्ले सेंटा और ये एम्ब्रियो ब्लास्ट है इट विल अल्टीमेटली फॉर्म द एम्बरियो एम्ब्रियो ब्लास्टर एम्ब्रिय बनाएगी और जो साइड वाली सेल्स है ये जो है अल्टीमेटली बनाएंगे प्ले सेंटा ठीक है अब जब ये एम्बी ब्रास और ट्रोफा बन जाएगी ना तो ये अप्रोक्सीमेटली हो रहा था फोर्थ डे के ऊपर ठीक है ना फोर्थ डे के ऊपर अब इसके बाद क्या होगा जो ये जो जोना पहले सीधा है अभी इसने डिसअपेयर होना है क्योंकि ताकि अब ये जो है कि साइज में इंक्रीज करिए जोना पैलस उसको क्या किया उसको लिमिटेड किया हुआ है तो अब ये ये जब रिमूव होगा तो उसका जो है वो साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा तो जोना पहला सीधा डिसअपेयर ठीक है अब ये जो है जोना कर देगा और ये जो है इस तरह से आ जाएगा बग़ैर जोना पैल्था के ये बेब्लास्ट आ जाएंगे ठीक है ना और ये जो जोना पैल्था है ना ये प्रॉक्स अगर तो वो एग्जैक्ट देखेंगे तो इट विल डिस एट फिफ्थ डे आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन ये जो फर्टिलाइजेशन हुई थी उसके फिफ्थ डे पे जो है वो जोना पैलेथीटा क्या होगा डिसअपियर हो जाएगा और जब जैसे ही ये जोना पैलेथा डिसपियर होगा तो इसके बाद इसकी हो जाएगी इम्प्लानशन ठीक है इम्प्लान यहाँ पे होगी और ये जो इम्प्लान है ये इसकी हो रही होती है सुपीरियर पोस्टीरियर वॉल मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर ठीक है ना बाकी जो फर्दर इम्प्रांशन हम हम डिस्कस करेंगे सेकंड वीक के अंदर कि उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस क्या है और वो किस किस पॉइंट पे हो सकती है अभी जो है ना हम अब थोड़े से क्लिनिकल्स देखेते हैं इस क्लेवेज के रिगार्डिंग जो है वो हम नेक्स्ट पेज भी डिस्कस कर लेते हैं इसके क्लिनिकल्स को ठीक है ना यहाँ पर हम हेडिंग भी देखते हैं क्लिनिकल्स ऑफ दी क्लेवेज तो जो पहला क्लिनिकल है इसका वो है जी मुसादजम तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी दैट व्हाट इज एक्चुअली दिस वर्ड इसका मतलब क्या है तो इसके मैं आपको जरा एक डेफिनेशन बता देता हूँ ब्रीफ सी, के मोसाइल मीन्स डिफरेंट सेल्स इन सेम इंडिविजुअल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब कि एक इंडिविजुअल है उसके जो है ना उसके जो सेल्स हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर चेंज है मतलब कुछ सेल का नंबर नंबर सेम होगा कुछ का डिफरेंट होगा ठीक है ना कुछ के जो नॉर्मल है कुछ में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी मतलब कोई अब नॉर्मैलिटी आ जाएगी ठीक है तो इसकी इसी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सम सेल्स ऑफ एम्ब्रियो ट्वेंटी वन क्रोमोसोम ये एग्जाम्पल है तो अभी जो इसकी एक जो इसका वो आप कि प्लस पॉइंट या इसकी जो एक एडवांटेज वो क्या है कि मोजैक इंडिव्यूजल कि जिनको ये डिजीज मोसैकिज्म होगी उनको भी कि मोजैक इंडिविजुअल विल बी लेसर इफेक्टेड इफेक्टेड दैन नॉन मोजैक मतलब कि अब देख रहे हैं कि एक जो इंडिविजुअल है उसके सारे सेल्स जो हैं उनमें नॉर्मेलिटी है और एक ही कुछ सेल्स जो है नॉर्मेलिटी है तो जिसके सारे सेल्स होंगे उसको वो डिजीज़ ज़्यादा इफेक्ट करेगी तो जिसके कम होंगे जिसके कुछ नॉर्मल होंगे कुछ जो है वो डिजीज वाले होंगे लाइक इन तो वो उनको जो जो, जो डिजीज़ है न, वो वो ना वो क्रोमोसोम वो कम इफेक्ट करेगी ठीक है ना तो ये आप कह सकते हैं इसका एक प्लस पॉइंट है ठीक है एक और प्लीनिकल हम यहाँ देखे थे इट इज़ दी स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन वैसे तो ये इम्प्लान रिलेटेड है कि हमने यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा देखा है इम्प्लानशन का भी तो हम इस स्क्रीन का यहाँ पर देख लेते हैं तो ये जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है ना ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो फिफ्टी परसेंट से सेवेंटी परसेंट जो एम्बरी इम्प्लान्ड हो जाते हैं ना उनके अबॉर्शन हो जाती है स्पॉन्टेनियसली और वो पता ही नहीं चलता ठीक है ना फीमेल को वो अवेयर होती नहीं और हो, ये अबॉर्शन हो चुकी होती है ठीक है ना और इसका जो मेन जो जिसके कॉजेज़ है ना उसका एक कोज है क्रोमोसोम अब नॉर्मेलिटी मतलब कि क्रोमोसोम कोई ज्यादा है डाउन सिंड्रोम इस तरह की कंडीशन में आ गया और दूसरा इसका है कि लेस एस्ट्रोजन <coughs> लेस एस्ट्रोजन एंडी प्रोजेस्ट्रोन प्रोडक्शन प्रोजेस्ट्रोन प्रोडक्शन मतलब कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन जो प्रेगनेंसी को मैंटेन रहे था उनकी अमाउंट कम है तो फिर उसके अल्टीमेटली क्या होगा अबॉर्शन ही हो जाएगी चीज़ है अब हम यहाँ पे देखें हमने एक क्लेविज को देख लिया हमने उसको इसके ऊपर भी ये जो यूट्रस यू 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 यूट्राइन बॉडी और फेलोपियन ट्यूब से डिस्कस भी कर लिया और साथ हमने उन डेज को भी देख लिया अब आपने जो इसमें आप आप जो, इस जो मेन पॉइंट चिख लेने हैं कि जी थर्ड डे पे जो है ये फेलोपियन ट्यूब से यूट्राइन बॉडी में एंटर करेगा किसकी फॉर्म में मोरूला की फॉर्म में और जो फिफ्थ डे के ऊपर जो है ना इसका जो ये जो जोना पैलिसडा है ये डिसअपियर होगा ये जो जिस ये दो मेन पॉइंट हैं यहाँ पर जिसको अपनी ज़रूर याद रखना है थैंक यू